अगर दोस्तों आप लोग का चैनल एक बार डेड हो गया तो दोस्तों जिंदगी में आपके चैनल पर व्यूज नहीं आएगा। आप लोग देखते होंगे, आप लोग वीडियो भी बहुत अच्छी बना रहे हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग सब कुछ प्रॉपर तरीके से लगा रहे हैं, फिर भी आपके वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपका चैनल वो दोस्तों पूरी तरीके से डेड हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले प्रूफ दिखाऊं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा ब्लॉग चैनल है, और यहाँ पर अगर हम इस वीडियो की बात करें, यहाँ पर देखिए इस चैनल की जो एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर देखो इसका व्यूज है वो भी पूरी तरीके से डाउन चला गया है, वॉच टाइम है वो भी पूरी तरीके से डाउन है, सब्सक्राइबर भी देखिए यहाँ से पूरी तरीके से डाउन हो गया है, और अर्निंग देखिए हमारी एक महीने में कितनी हो रही है, सिर्फ $3 की। आप लोग खुद देख सकते हैं ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरा चैनल डेड हो रहा है धीरे धीरे। और अगर दोस्तों आप लोग भी अपने चैनल पे टाइम रहते अगर ध्यान नहीं देते हैं तो आप लोग जो जितनी मेहनत आप लोगों ने शुरू से की होगी वो सारी मेहनत आपकी खराब हो जाएगी, आप लोग अपने YouTube चैनल से एक भी रुपए नहीं कमा सकते। अब दोस्तों ऐसा क्यों होता है, इसका सिर्फ एक रीजन होता है, वो होता है कि आपका YouTube आपकी वीडियो का इंप्रेशन ही नहीं भेजता है। अगर आपकी वीडियो का इंप्रेशन नहीं जाएगा तो आपकी वीडियो पर व्यूज कहां से आएगा। तो आप लोग खुद सोचो कि आप लोग सारा कुछ अच्छे से कर रहे हो, वीडियो अच्छी बना रहे हो, टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग सब कुछ अच्छे से लगा रहे हो, थंबनेल भी काफी बढ़िया बना रहे हो, फिर भी आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहा, क्योंकि YouTube आपकी वीडियो को बूस्ट ही नहीं कर रहा है, YouTube आपकी वीडियो को लोगों के पास भेज ही नहीं रहा है। इस कंडीशन में आखिर आपको करना क्या चाहिए कि आपके वीडियोस पर व्यूज आए, आपकी वीडियो धीरे धीरे रैंक करे। तो दोस्तों इस कंडीशन में आप लोगों को सिर्फ दो तरीके अपनाने हैं, अगर आपने उन दो तरीकों को लगा लिया तो 100% आप लोगों की वीडियो है वो बूस्ट होने लगेंगी। अब सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पे पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो पूरा का पूरा डाउन चला गया है, व्यूज वॉच टाइम सब्सक्राइबर अर्निंग सारा का सारा ग्रे हो गया है, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पे पहले जितना व्यूज आता था उतना व्यूज अब के टाइम पे नहीं आता है। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कंटेंट वाले पे जाके, यहाँ पर आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखो अभी के टाइम पे 488 775 737 640 इस तरीके से दोस्तों व्यूज आ रहे हो। पहले क्या होता था, मैं अपने चैनल पे कोई ब्लॉग डालती थी तो वो मेरा 1 से 2 दिन के अंदर 1000 से ऊपर उस पे व्यूज आ जाते थे, यहाँ तक कि 4-5 हजार भी व्यूज आते थे। अगर हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे की साइड स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देखो 31,000 2,400 12,000 1,400 ठीक है, इस तरीके से चाहे मैं ब्लॉग वीडियो डालती थी चाहे मैं डांस वीडियो डालती थी सारे कंटेंट पे मेरा व्यूज आता था। देखिए 2,300 1,000 1,200 1,100 1,000 इस तरीके से मेरे व्यूज आते थे, पर अब के टाइम पे मेरे चैनल पे बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे, 1,000 व्यूज लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो इस कंडीशन में आप लोग अपनी वीडियोस को बूस्ट कर सकते हो, अपने चैनल पे फिर से आप लोग व्यूज ला सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों को बस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना ठीक है। अब सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर नीचे की साइड आप लोगों को पता है यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको एनालिटिक्स का ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को देखिए सामने सबसे पहला एक ऑप्शन आता है वो आता है व्यूज का, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अगर हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे ठीक है, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो आप लोग देखो मेरा जो ग्राफ था पहले इसके यहाँ पे थोड़ा उठ रहा था, अब देखिए बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ से डाउन चला गया है। अभी के टाइम पे आप लोग देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे 90 डेज करूंगी, यहाँ पे 7 डेज 28 डेज 90 डेज 365 डेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले मेरे चैनल डाउन था, एकदम से उठा फिर एकदम से डाउन हुआ, थोड़ा सा उठा फिर डाउन हो गया, मतलब ये आसमान से बिल्कुल जमीन पे आ चुका है चैनल, इतना ज्यादा इस चैनल पे फर्क पड़ा। अब इस चैनल पे हम व्यूज को कैसे बढ़ाएंगे ताकि हम जो वीडियो रिसेंट में अपलोड करें उन पर हमारा व्यूज आए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ऊपर साइड में एक भी किसी पैराग्राफ को यहाँ से सिलेक्ट करना है, चाहे आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 7 डेज 28 डेज 90 डेज 365 डेज, उनमें से आप कोई सा भी यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए ठीक है। यहाँ से मान लीजिए मैंने सिलेक्ट किया हुआ है 90 डेज ठीक है, अगर 90 डेज आपको करना है तो 90 डेज कर लीजिए, मैं यहाँ से 365 डेज कर लेती हूँ, मतलब मैं पूरा 1 साल तक का अपने चैनल का एनालाइज करूंगी कि आखिर मेरे चैनल पे व्यूज क्यों नहीं आ रहा ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 1 साल में क्या हुआ, मेरा चैनल यहाँ से इतना उठा ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे गिरता चला गया, मतलब आसमान में मैंने अपना चैनल पहुंचा दिया और आसमान से आज नीचे की साइड आ चुका है। ये क्यों आया, क्योंकि हम लोगों की लापरवाही की वजह से ठीक है। अब दोस्तों इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि आपका जो ग्राफ है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर उठा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं ये जो यहाँ पर है ये मेरा ग्राफ सबसे ज्यादा ऊपर की साइड दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पर मेरा जो व्यूज था वो सबसे ज्यादा आया था इस डेट को। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके जहां से जो ग्राफ है वो उठा हुआ है आप लोगों को सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ पर करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ठीक है। इस तरीके से 15 मार्च
मतलब 15 मार्च 2023 को मेरे चैनल पे सबसे ज्यादा व्यूज आया। अभी क्या चल रहा है, सितंबर चल रही है, तो आप मार्च से लगा लो, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब 7 महीने पहले आपको ये डेट है, इसको आपको अपने माइंड में बिल्कुल पूरी तरीके से सेट कर लेना है। 15 सितंबर हो गया, और दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं तो ये हो रहा है 23 फरवरी 2023 और 16 मार्च 2023। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 15 फरवरी और 16 मार्च को आपको अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लेना है। जो भी आपको यहाँ पर अपनी डेट है वो दिखाई दे, आपको वो अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लेना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आपको जाना है कंटेंट वाले ऑप्शन पे, ठीक है, और आपको यहाँ पे जो डेट दिखाई दे रही है उस डेट का कंटेंट निकालना है कि आखिर आपने इस डेट को कौन सा कंटेंट डाला था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से चलते हैं कंटेंट वाले पे, और दोस्तों यहाँ से हम लोग 5-6 महीने पहले पहुंच जाएंगे, ठीक है, यहाँ से 5-6 महीने हम पहले पहुंच चुके। और यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए 16 मार्च को मेरे चैनल पे ये वाली वीडियो पब्लिश हुई थी। और दोस्तों अगर हम इस वीडियो के व्यूज की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कितना व्यूज आया यहाँ पे, 3,12,000। अब आप खुद देख सकते हो 3,12,000 मुझे इस वीडियो से व्यूज मिला। पहले यहाँ पर देखिए, मैं इस वाले वीडियो पे क्लिक कर लेती हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं ये वीडियो मैंने डाली है 19 जनवरी 2023 को, तो जो डेट आपको वहां पे शो कर रही थी आपको एग्जैक्ट वही डेट का कंटेंट है, उसको निकाल लेना है। अब दोस्तों जो वीडियो हमारी सेकंड चली थी वो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 फरवरी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम नीचे की साइड जाएंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या चला है, 13,500, ठीक है, मतलब 13,000 से ऊपर इस वीडियो पर भी व्यूज आए थे। और वीडियो की अगर बात करें तो अभी के टाइम पे हमारी वीडियो पर 1,000 व्यूज भी नहीं आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इतना ज्यादा अंतर है इन वीडियोस में व्यूज के हिसाब से। तो आपको करना क्या है, सिंपली सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अब ये वीडियो आपकी जो सबसे ज्यादा चली हुई थी उस टाइम के अंदर, तो आप लोगों को क्या करना है, फिर से सेम टू सेम इन्हीं टॉपिक पर अपनी वीडियोस को बनाना है। मान लीजिए मैं यहाँ से थोड़ा नीचे चलती हूँ और ये वाली वीडियो को मैं ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इस वीडियो को ओपन किया तो आप लोग देख सकते हैं जनवरी 19 को ये वीडियो मेरी कितनी चली है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 8,49,000 मेरी ये वीडियो इस टॉपिक पे चली है। अब ये कौन सा गाना है, ये है गोरे तन से सरकता जाए। तो मतलब ये बनता है कि मेरे चैनल पे जो ऑडियंस है वो डांस वीडियो देखना पसंद करती है, उनको डांस वीडियो अगर मैं देती हूँ तो मेरे चैनल पे की जो रीच है वो और बढ़ जाएगी और मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स भी आने लगेंगे। अब दोस्तों आपको करना क्या, किस तरीके से आपकी वीडियो बूस्ट करेगी, सेकंड जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया इस वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यूज आया, तो आपको क्या करना है, इसी गाने पे आपको फिर से वीडियो बनानी है, या आपका कोई कंटेंट है, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, वॉच टाइम कैसे बढ़ाए, तो आपको वही टॉपिक को पकड़ लेना है जो टॉपिक आपके चैनल पे सबसे ज्यादा चला हुआ था, ठीक है, उस डेट को। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली जाना है अपने यूट्यूब, यहाँ से हम लोग यूट्यूब पे आ चुके हैं। यूट्यूब पे आने के बाद यहाँ पे आपको अपना चैनल है उसको सर्च कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ से क्या करूंगी, अपने चैनल को मैं यहाँ से सर्च कर लेती हूँ, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है सरिता पटेल ऑफिशियल, इसमें मैं ब्लॉग डालती हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस चैनल को ओपन कर लिया। अब मैं इस वीडियो पे जाऊंगी और यहाँ से मैं पॉपुलर वीडियो पे चली जाऊंगी। आप देखिए मेरी जो वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यूज आया था, ठीक है, ये देख सकते हो ये वीडियो सबसे ज्यादा चली हुई थी उस टाइम की। अब आपको क्या करना है, सिंपली इस वीडियो पे क्लिक करना है, जो सबसे पहली वीडियो जिसका सबसे ज्यादा व्यूज आया, शेयर के बटन पे क्लिक करना है, यहाँ से कॉपी लिंक कर लेना है। जैसे आप इसका लिंक कॉपी करेंगे तो आपको प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन मिलता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, बाय टूल। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आप लोगों को करना क्या है, तो जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर ऊपर की साइड आपके सामने आएगा वीडियो का लिंक डालने के लिए, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, वीडियो का लिंक डाल देना है। जैसे आप यहाँ पे वीडियो का लिंक डालेंगे, गो पे क्लिक करेंगे, जैसे आप गो पे क्लिक करेंगे इस वीडियो का जो टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग आपके सामने पूरी तरीके से देखिए यहाँ पर आ चुका है। ये सारे टैग डाले थे मैंने अपनी वीडियो के अंदर, ये सारे हैशटैग लगाए थे और ये मैंने अपनी वीडियो का टाइटल रखा था। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो आपको इसी सॉन्ग पे बनानी है, आपको अपने जो टाइटल आ रहा है उस टाइटल पे आपको अपनी वीडियो बना लेनी है और सेम टू सेम आपको यही टाइटल, यही डिस्क्रिप्शन, यही टैग अपनी वीडियो में लगा देने, बस टाइटल में थोड़ा सा चेंजेस कर देना है, कोई इमोजी बना दीजिए या कुछ थोड़ा सा चेंज करके लिख दीजिए, बाकी आपको पूरी डिटेल यही अपने वीडियो में डाल देनी है। इससे क्या होगा, आपकी ये वाली वीडियो उस टाइटल पे रैंक कर गई थी, तो दोस्तों अगर आप दूसरी वीडियो इस टाइटल पे बनाएंगे तो आपकी वो वीडियो भी काफी ज्यादा रैंक करेगी। और मैंने अपने पर्सनली खुद मैंने अपने चैनल पे इस ट्रिक को लगा के काफी वीडियोस पे व्यूज लिए हैं, क्योंकि दोस्तों जिस वीडियो पे आपके सबसे ज्यादा व्यूज आता तो आप समझ लो कि आपके वीडियो पे लोग सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को सेम टू सेम यही तरीका अपना के अपने चैनल पे व्यूज को लेना है। तो दोस्तों आप लोग इसी तरीके से कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर आपको करना क्या है जब आपके व्यूज डाउन हो जाते हैं, जब आपका चैनल फ्रीज हो जाता है या डेड हो जाता है, तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर किस तरीके से आपको अपने चैनल को अनफ्रीज करना है, किस तरीके से आपको व्यूज डाउन की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। तो आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर आपको करना क्या है। बाकी दोस्तों आप लोगों को जो कंटेंट बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना है और अपने टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग को भाई प्रॉपर तरीके से लगाना है। और अभी के टाइम पे सभी का व्यूज डाउन हो तो टेंशन ना ले आप लोग, सभी का ठीक हो जाएगा, बस लगातार आप लोगों को मेहनत करते रहना है। तो दोस्तों आप लोग आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।